राजस्थान के गुलाबी शहर में बड़ी चौपर पर स्थित हवा महल राजपूतों की विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई जरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यात्रा कराएंगे जयपुर के इसी सुंदर हवा महल की, जिसमें आपको हवा महल का इतिहास, इसकी वास्तुकला, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं और दिलचस्प तथ्यों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जयपुर टूर प्लान और सिटी पैलेस को एक्सप्लोर किया था। तो दोस्तों, सिटी पैलेस हमने देख लिया है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से हवा महल की ओर। हवा महल भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 500-600 मीटर की दूरी पे ही स्थित है। तो यहाँ से आप हवा महल पैदल भी जा सकते हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हवा महल की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे सिटी पैलेस और हवा महल का पार्किंग एक ही है। तो हवा महल के पास कोई पार्किंग नहीं है, सिटी पैलेस के पास पार्किंग बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि अभी मैं पार्किंग के अंदर ही खड़ा हूँ। तो यहाँ पे आप पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, सिटी पैलेस से आप हवा महल जाने के लिए ई रिक्शा से भी जा सकते हैं। पर पर्सन 10 रुपया दे के आप हवा महल पहुँच सकते हैं। और अभी हम यहाँ से ई रिक्शा करेंगे और यहाँ से हम चलेंगे हवा महल। तो दोस्तों, यदि यहाँ पे आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आए हैं तो मेरे आपसे सजेशन है कि आप अपना व्हीकल यहाँ पे पार्किंग में ही रहने दें और यहाँ से ई रिक्शा में आप 10-10 रुपया दे के आप हवा महल तक पहुँच सकते हैं। आप ई रिक्शा में जाओगे तो आप जो पिंक सिटी का जो नज़ारा है, दोनों साइड में जो मार्केट है, वो दोनों मार्केट का नज़ारा देखते हुए आप हवा महल तक पहुँच जाओगे और वो भी 2-3 मिनट में ही। और यदि आपके पास टाइम है और आप पैदल जाना पसंद करते हो तो भी ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लगभग 500 से 600 मीटर की यानी आधा किलोमीटर की दूरी पे ही सिटी पैलेस से हवा महल स्थित है। सिटी पैलेस से 10-10 रुपये में अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हवा महल के पास। और आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं कि ये हवा महल है। तो दोस्तों, हवा महल में एंटर होने के 2 गेट है और ये जो है वो मेन गेट है और एक दूसरा गेट भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप ऑटो से आओगे, सिटी पैलेस से आप ऑटो से आओगे तो वो आपको ऑटो वाला दूसरे वाले गेट पे आपको ड्रॉप करेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जो दूसरा वाला गेट है वहाँ से ही अभी मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ही ऑटो ने ड्रॉप किया था। तो चलिए, आपको भी मैं रास्ता दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको एंटर होना है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँचा हूँ हवा महल के पास और अभी यहाँ से अभी हम जाएंगे। इसके बैक साइड में इसका टिकट काउंटर है, चलेंगे अंदर की साइड, पहले टिकट लेंगे और चलते हैं और हवा महल को देखते हैं। तो दोस्तों, आप हवा महल के सामने खड़े रहोगे तो आपको राइट साइड में थोड़ा सा ही आगे जाना है, लगभग 30-40 मीटर आगे जाओगे तो आपको वो गेट दिख जाएगा और वहाँ पे मार्केट बना हुआ है छोटा सा, तो वहाँ पे एक गेट दिखेगा आपको, उस गेट से आपको एंटर होना है। तो देखिए दोस्तों, ये गेट है और यहाँ से आपको कुछ स्टेप चढ़ के ऊपर जाना है, थोड़े ही स्टेप हैं, ज़्यादा नहीं है, और वहाँ से फिर सीधा रास्ता है और थोड़ा लगभग 20-30 मीटर आगे जाके आपको स्टेप से नीचे उतरना है। ये रास्ते से तभी आना है जब आप सिटी पैलेस के पार्किंग से आप आ रहे हैं तो आपको ये गेट नज़दीक पड़ेगा। बाकी आप ऑटो वालों से बोल दोगे तो आपको जो मेन गेट है वहाँ पे भी आपको ड्रॉप कर सकता है वो। हवा महल है वो बड़ी चौपड़ पे ही स्थित है, तो दूसरा जो गेट है वो बड़ी चौपड़ से लगभग 30-40 मीटर की दूरी पे ही स्थित है, तो वहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं। हवा महल रोड से मैंने जो एंट्रेंस दिखाया वहाँ से आपको एंटर होना है और यहाँ पे हवा महल की एंट्री टिकट मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टिकट का प्राइस लिखा हुआ है, और यदि आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई शुरू है, अभी चालू है, तो आप अपना आई कार्ड ज़रूर लेके आए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हवा महल देखने का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपया है, लेकिन आप स्टूडेंट का आई कार्ड यहाँ पे दिखाओगे तो आपको 20 रुपये में टिकट मिल जाएगी। ऐसा जयपुर में जितने भी महल हैं सब जगह पर इसी तरह ही है।
तो आप स्टूडेंट हैं और घूमने जा रहे हैं तो अपना आई कार्ड साथ में ज़रूर लेके आए यहाँ पे जयपुर में। तो आपको ये महल और ये सब देखने के लिए आपको काफ़ी कम रेट में आपको टिकट मिल जाएगी। तो दोस्तों हवा महल की टिकट पर पर्सन 50 रुपया है और अभी हमने टिकट ले ली है और अभी चलिए चलते हैं और हवा महल के अंदर एंटर होते हैं। जी हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ की राजपूताना और इस्लामी मुगल वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको इस हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें के बारे में बताने वाले हैं, जानकर शायद आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। बताया जाता है कि यह महल राजपूत सदस्यों और ख़ास करके महिलाओं के लिए बनवाया गया था। महल के अंदर एंटर होते ही एक बड़ा सा आंगन दिखेगा आपको। उस आंगन के बीचों बीच में एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के टाइम पे यहाँ पे होली का त्यौहार इसी जगह पे मनाया जाता था। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल में 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें जरोखा भी कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाहें पड़े पर्दा प्रथा की शक्ति से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली राजमरों की जिंदगी की गतिविधियों को अवलोकन कर सके। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि महल के ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है, हालांकि आप रैंप के जरिए हर एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हवा महल में यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में छोटी छोटी खिड़कियाँ है यहाँ पे और कैसी नकाशी की गई है यहाँ पे कि हवा यहाँ से आराम से पास है। पिरामिड के आकार के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी है। यह 5 मंजिले इमारत है, लेकिन ठोस नींव की कमी के कारण यह घुमावदार और 87 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हुई है जिसकी वजह से हवा आसानी से महल के अंदर आ सकती है। जिसकी वजह से हवा आसानी से अंदर आ जाती है। तो दोस्तों महल को इस तरह से बनाया हुआ है कि आप महल के किसी भी कोने में जाएंगे आपको हवा लगेगी ही लगेगी। इस तरह का यहाँ का स्ट्रक्चर है। महल के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से हवा पास हो सकती है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। हर जगह पे छोटी छोटी यहाँ पे खिड़कियाँ बनाई गई हैं जिसकी वजह से हवा आसानी से पास हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हवा महल की खिड़कियों में रंगीन शीशों का अनूठा शिल्प है। जब सूर्य की रोशनी इन रंगीन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में प्रवेश करती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी आभा से भर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रंग बिरंगी शीशे यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा इसका विशिष्ट गुलाबी रंग जो प्राकृतिक बलुआ पत्थर की वजह से है, जयपुर को इसका उपनाम यानी गुलाबी शहर इसी की वजह से मिला है। हवा महल का अनूठा आकर्षण इसकी 953 खिड़कियां है जो फीता जैसी दीवारों को कवर करती है। हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और ख़ासकर महिलाओं के लिए बनाया गया था ताकि शाही महिलाएं नीचे गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सके, साथ ही खिड़की से शहर की खूबसूरती का नज़ारा भी देख सके। हवा महल भारत में राजपूत वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। भले ही गर्मियों में जयपुर का तापमान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है,
फिर भी यह महल गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता है। इसके पीछे का कारण यही है कि 953 छोटी छोटी खिड़कियां है जिनसे होकर ठंडी हवाएं अंदर आती है और जगह को हमेशा ठंडा रखती है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसे इस 5 मंजिला इमारत में 953 जरोखे हैं जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल इनमें से एक है। यह जयपुर शहर के स्थित एक बहुत ही आकर्षण स्थल है जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिज़ाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे ही घूम रहे हैं और यहाँ पे हवा खाने के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। ये देखिए, छोटी छोटी यहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। प्राचीन काल में विभिन्न राजपूतों के परिवार गर्मी के दिनों में ठंडी और ताजी हवा का आनंद उठाने के लिए इस महल में निवास करते थे। यह राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया है क्योंकि 5वीं मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम हवा महल रख दिया गया था। ही महल के अंदर 3 छोटे मंदिर भी मौजूद है, गोवर्धन कृष्ण मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। पहले लोग गोवर्धन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते थे लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। हवा महल की खिड़की से यहाँ पर आप बड़ी चौपड़ का नज़ारा देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है वो बड़ी चौपड़ है और हवा महल बड़ी चौपड़ पे ही स्थित है। इस महल का आकार सर के ताज के समान है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी मानते थे जिसकी वजह से उन्होंने इस महल को ताज का आकार में बनवाया था। तो दोस्तों, गर्मियों में भी यहाँ पे अभी एकदम ठंडक का एहसास हो रहा है, एकदम ठंडा लग रहा है यहाँ पे। जैसे हम बाहर आउटसाइड में थे महल के तो वहाँ पे हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन महल के अंदर आने के बाद यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दोस्तों, हवा महल वाकई लाजवाब है। आप जब भी जयपुर आते हैं तो हवा महल देखना न भूलें। तो दोस्तों, हवा महल हमने देख लिया है और अब यहाँ से हम जाएंगे वापस सिटी पैलेस के पार्किंग में और वहाँ से फिर गाड़ी लेके हम चलेंगे जल महल। यहाँ पर आप चाय का मजा भी ले सकते हैं। हवा महल से जल महल 4.6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये आमेर रोड ही है। आमेर जाने के टाइम पे पहले जल महल आएगा, इसके बाद आमेर पैलेस आएगा। यहाँ पे पार्किंग लगा हुआ है और पार्किंग के यहाँ पे पर गाड़ी की 50 रुपये है। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ जल महल के पास। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे एक झील है और झील के बीच में एक महल बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको जल महल। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण कार्य सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडित के साथ स्नान करने के लिए करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप राजस्थानी कल्चर का ड्रेस पहन के फोटो भी खिंचवा सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग राजस्थानी ड्रेस पहन के फोटो भी खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, मेरी बैक साइड में कुछ लोग हैं जो राजस्थानी कल्चर का, यानी राजस्थानी ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं। इस महल के निर्माण से पहले मानसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण कार्य करवाया था। इसका निर्माण 1699 में हुआ था।
इसके निर्माण के लिए राजपूत शैली से तैयार की गई नौकाओं की मदद ली गई थी। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। वे इसका प्रयोग राजसी उत्सवों पर भी किया करते थे। जलमहल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। जल महल अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1,00,000 से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। जयपुर टूर का पार्ट 2 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आमेर फोर्ट को। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पर पहली बार है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।